प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश सिमलात आयोजित गरीब कल्याण सम्मिलन अंशग्रहण कर विभिन्न मंत्रणालय और विभाग अधीन रूपायित आँचन हितधिकारी सहित मत विनिमय कर प्रधानमंत्री अनुष्ठान प्रधानमंत्री किषाण सम्मान निधि चमुक पी एम किषाण आँचन एकादश किस्ती मुक्ति इार जरिए दस कोटर अधिक कृषक पर प्राय एक हजार कोटी टका हस्तान्तरित हम हितधिकारी सहित मत विनिमय प्रधानमंत्री कय सरकार सेवा সুশাসন আৰু গৰীব কল্যাণ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে চৰকাৰক জনসাধাৰণৰ ওচৰ চপাই নিয়া হৈছে জীৱন ধাৰণত জনসাধাৰণৰ সকলো সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান কৰিবৰ বাবে চৰকাৰে প্ৰয়াস চলাই আহিছে বুলি তেওঁ কয় নতুন ভাৰত নিৰ্মাণৰ বাবে সামৰ্থ্য বৃদ্ধিৰ জৰিয়তে লক্ষ্য আহৰণত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে বুলি তেওঁ কয় আপনে অসন্তুলিত বিকাশ সে ভেদভাৱ সে আহত থা দুখী থা আজ হামাৰা নৰ্থ ইষ্ট दिल से भी जुड़ा है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से भी जुड़ रहा है सेवा सुशासन और गरीबों के कल्याण के लिए बनी हमारी योजनाओं ने लोगों के लिए सरकार के मायने ही बदल दिए अब सरकार माई बाप नहीं है वो वक्त चला गया अब सरकार सेवक है सेवक जनता जनार्दन की सेवक है अब सरकार जीवन में दखल देने के लिए नहीं बल्कि जीवन को आसान बनाने के लिए काम कर रही है बीते वर्षों में हम विकास की राजनीति को देश की मुख्य धारा में लाए विकास की इसी आकांक्षा में लोग स्थिर सरकार चुन रहे हैं डबल इंजन की सरकार चुन रहे हैं साथियों हम लोग अक्सर सुनते हैं कि सरकारें आती हैं जाती हैं लेकिन सिस्टम वही रहता है हमारी सरकार ने इस सिस्टम को ही गरीबों के लिए ज्यादा संवेदनशील बनाया